फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। दोस्तों, इसके पहले 3 चैप्टर थे जिसका मैंने इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन दोनों दे दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उसका उस लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाता हूँ हर एक चैप्टर को, ठीक है? तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? हम हमारे आसपास में बहुत सारे मटेरियल्स है, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ मटेरियल है जिसका शेप कोई शेप में अलग है, कोई ऑर्डर में अलग है, कोई कलर में अलग है और कोई फिजिकल स्टेट में अलग है और कोई दूसरी दूसरी प्रॉपर्टीज़ में अलग होता है, ठीक है? तो हम लोग इसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इसी में हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले जैसे कि कुछ मटेरियल जैसे कि लेमन हो गया, विनेगर हो गया, टरमाइंड, इस सबका जो खट्टा टाइप में टेस्ट होता है, इसका खट्टा टाइप में टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एसिड्स का प्रेजेंटेशन होता है, वहाँ पर एसिड जो है प्रेजेंट होता है। तो वैसे केमिकल्स को हम लोग कहते हैं एसिड, ठीक है? उसके बाद कुछ और मटेरियल जैसे कि हो गया सोडा हो गया, सॉप हो गया, ठीक है? इसको जो टेस्ट होता है वो बीटर टाइप में होता है। वैसे में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेसिस, ठीक है? इसको आपको घर में ट्राई करके नहीं देखना है, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, कॉजन हो सकता है, क्योंकि डेंजरस सब्सटेंस, डेंजरस टेस्ट भी हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का। तो आपको ये सब घर में ट्राई करके नहीं देखना है, जो बुक में लिखा था मैंने वही बताया आपको, ठीक है? जो एसिड जो वर्ड है ये एसिडियस लैटिन वर्ड से आया हुआ है, ठीक है? जिसका मतलब होता है सोर। सोर टेस्टिंग जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सब जो है एसिड्स को कंटेन करते हैं, ठीक है? सबसे पहले मिनरल एसिड के बारे में जानना हम लोगों को। एसिड का 2 टाइप होता है, पहला होता है मिनरल एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड वैसे एसिड को हम लोग कहते हैं जो कि अर्थ में प्रेजेंट मिनरल्स से पाए जाते हैं, ठीक है? प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है? वैसे इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड। जैसे कि आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड। ये सब एग्जाम्पल जो आप इसे जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए आपको ऑर्गेनिक एसिड में। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड्स को कहते हैं जो हमें प्लांट से ऑक्योर होते हैं, ठीक है? और वैसे एसिड्स को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है? ये जो भी एसिड्स है सब वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है? वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऑर्गेनिक एसिड को कंटेन करते हैं। जैसे कि ग्वाभा जो है ऑक्सलिक एसिड को कंटेन करता है, मतलब अमरूद, और लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, ये सब जो है साइट्रिक एसिड को कंटेन करता है। उसके बाद ग्रेप्स हो गया, टरमाइंड हो गया, ये सब रॉसबेरीज हो गया, ये सब टाइट्रिक एसिड को कंटेन करता है। उसमें आप उसमें अनवांटेड साउंड आ रहा है, उसमें घर के बगल में कोई है आया हुआ है अभी, ठीक है? इसके कारण यहाँ पर अभी आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है? तो सोर मिल्क जो होता है, मतलब खट्टा दूध जो होता है, वो सब भी लैक्टिक एसिड को कंटेन करता है, ठीक है? विनेगर जो है एसिटिक एसिड को कंटेन करता है। इसका जो सिंबल आपको जरूरी याद करना है, पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ मैंने वहाँ का सिंबल, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए, ये सब इमेज भी दिया हुआ है, आप तो ऐसे पहचान सकते हैं, मैंने ऊपर बता भी दिया है, ठीक है? उसके बाद स्टिंग ऑफ बीज हो गया, ठीक है? रेड एंट्स, वैस्प जो है, ये सब जो स्टिंगिंग नीडल जो है, ये सब फॉर्मिक एसिड को कंटेन करते हैं जो कि शूटिंग पेन कॉज करते हैं, या फिर वो सब जब काट लेते हैं कहीं भी तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये हो जाता है, थोड़ा आपका फूल जाता है हाथ, ठीक है? या जहाँ भी काटता हूँ थोड़ा सा आपका वहाँ फूल जाता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर फॉर्मिक एसिड का जो प्रेजेंस होता है उन सबके नीडल्स में, ठीक है, मतलब उनके बीक में जो भी आप बोलिए, नीडल्स थोड़ा जो होता है वहाँ पर स्वीट टाइप में होता है, जैसे लोग काटते हैं बहुत शूटिंग पेन होती है कस के, ठीक है? अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है? फिर जैसे साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड और जो फॉर्मिक एसिड है, ये सब वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है? इसके बारे में हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में हम लोग 8th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड जो है मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्रीज में, ठीक है, और हाईली कंसंट्रेटेड होता है। उनका जो वाटर कंटेंट होता है बहुत ही कम होता है। इसका जो कंसंट्रेशन है वो लो किया जाता है, मतलब वाटर को ऐड करके, ठीक है? एसिड जिसमें लो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है? चलिए आ जाइए बेसिस और एल्कलीज में। बेसिस वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं जो कि एसिड्स फॉर्म किए जाते हैं वाटर और सॉल्ट्स को ऐड करके, ठीक है, एसिड्स के साथ रिएक्ट किए जाते हैं, ठीक है?
वाटर और साल्ट्स को मतलब वहाँ पर फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। उसके बेसिस जो है बहुत ही बीटर होते हैं टेस्ट में और सॉपी फील होते हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद जो भी बेसिस सॉल्यूबल होते हैं वाटर में उसको हम लोग कहते हैं एल्कलीज, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, बेसिस के एग्जाम्पल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है बेसिस हो गए। उसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी हो गया आपका एल्कलीज हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ये जो है वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है। कुछ बेसिस जैसे कि आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जैसे कि हो गया, फिर आपका हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब जो वीक बेसिस है, ठीक है। इंडिकेटर एसिड्स और बेस सिर्फ टेस्ट के द्वारा मतलब आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं, उनके पास जो थोड़ा अजीब टाइप का इंडिकेटर हम लोग उसको यूज करते हैं, उसको पहचानने के लिए कौन बेस है कौन एसिड है, इसको पहचानने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंट कलर होते हैं, कोई एसिडिक मीडियम में, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में कोई भी जो है चीज़ है वो रेड कलर हो जाएगा। लिटमस पेपर का यूज़ ज़्यादा होता है यहाँ पर। कोई भी चीज़ जैसे कि आपका खट्टा में डालिएगा तो फिर वहाँ रेड ब्लू ये सब हम लोग को देखने मिलता है एसिड बेस में, ठीक है। एसिड में डालिएगा तो रेड हो जाएगा, बेसिक में डालिएगा तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। जो आपको लिटमस पेपर का यूज होता है। बात ये एक्टिविटी वन में सबसे पहले एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, हम लोग को लेमन जूस लेना है पेट्री डिश डिश में, ठीक। उसके बाद हम लोग को ब्लू लिटमस पेपर को डिप करना है, और जो उसमें एसिड प्रेजेंस होगा जिसके कारण वहाँ पर जो रेड कलर में हो जाएगा ब्लू लिटमस, ठीक है। उसके बाद आपको सॉप लेना है, साबुन, उसमें आपको पेट्री डिश में ले लेना है उसे आपको, ठीक है। उसमें आपको रेड लिटमस डाल देना है जिसके कारण जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर जो है बेस का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप इसमें टर्मरिक का भी उपयोग कर सकते हैं, इंडिकेटर के रूप में भी काम करता है, ठीक है। चाइना रोज जैसे आप भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उसके पेटल्स को आपको कागज़ में थोड़ा निकाल लेना, मतलब रगड़ लेना है। उसके मैग्नेटा डार्क पिंक भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों लिटमस पेपर बनाना बहुत ही आसान है, घर में भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इसे बनाने का, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, एसिड के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, बेसिस के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट जो टॉपिक हुआ जाता है न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स, मतलब साल्ट्स के बारे में, ठीक है। एसिड और बेस का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पिछले वीडियो में मतलब पिछले चैप्टर में मैंने इस चीज़ को समझा दिया था अच्छे से, जो आपने शुरू नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। अब चलिए, जैसे कि रिएक्शन जब होता है तो वाटर और सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के समय, ठीक है। जो एसिड और बेस होता है दोनों इफेक्ट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो एक्टिविटी यहाँ पर जब एक्टिविटी को जरूर पढ़िएगा, क्या लेना है यहाँ पर आपको, देखिए 10 मिलीलीटर लेना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। उसके बाद 2 ड्रॉप्स आपको लिटमस सॉल्यूशन डाल देना है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो है आपको लिटमस पेपर डालना है उसमें, उसके बाद आपको क्या करिएगा, आप वहाँ पर देखिएगा वहाँ रेड कलर में चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको उस फ्लैक्स में डालते जाना है। दोस्तों ये एक्टिविटी बहुत ईजी है, आप इसे जरूर पढ़िएगा, घर में ट्राई भी कर सकते हैं। आपको इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके घर में अवेलेबल है, लेकिन आपके एकदम बहुत ही कॉजन मतलब ये हो सकता है आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आप ट्राई करके देखिए, आप एक्टिविटी को पढ़ के समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिएक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका जो हो जाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। KOH प्लस H2SO4 तो जाएगा K2SO4 प्लस 2H2O वाटर, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेमिंग ऑफ साल्ट, साल्ट का जो नेम होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को साल्ट को हम लोग कहते हैं सल्फेट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट को हम लोग कहते हैं क्लोराइड्स, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साल्ट को हम लोग कहते हैं नाइट्रेट्स, सल्फ्यूरस एसिड के साल्ट को हम लोग कहते हैं सल्फाइड्स, कार्बनिक एसिड के साल्ट को हम लोग कहते हैं कार्बोनेट्स, और एसिडिक एसिड को के साल्ट को हम लोग कहते हैं एसिडेट्स, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज़ फिर आपको पढ़ना है साल्ट का। प्रॉपर्टीज़ देखिए, साल्ट जो है वो भी नमक जो है, नमक नहीं बोल सकते हैं, साल्ट बोलते हैं अपने आपको, ठीक है। साल्ट जो है एसिड और बेस के रिएक्शन के द्वारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो भी साल्ट होता है वो रिडली सॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। साल्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मोल्टन साल्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं और सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं वाटर के साथ जो है
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए एक्टिविटी 4 जरूर पढ़िएगा। आपको क्या करना है यहाँ पर, 7 से कुछ ग्रेफाइट रॉड को आपको जोड़ लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से आपको LED बल्ब लगा के कर लेना है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट आता है न्यू टॉपिक जो है। साल्ट को हम लोग दो चीज़ों में बांट सकते हैं, जैसे न्यूट्रल साल्ट हो सकता है एक, ठीक है, और तीन चीज़ें बांट सकते हो जाएगा न्यूट्रल साल्ट, दूसरा हो जाएगा बेस एसिडिक और तीसरा हो जाएगा बेसिक, ठीक। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से के रिएक्शन से जो भी साल्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। न्यूट्रल साल्ट का जो सोल्यूशन होता है वो वाटर के साथ होता है, ठीक है, नाइटर, वो कभी एसिडिक हो नहीं हो सकता और बेसिक भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका कलर लिटमस पेपर उसमें डालने के बाद उसका कलर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इसका आपका सोडियम हाइड्रो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा इसका एग्जांपल, ठीक है। ये एक न्यूट्रल साल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आपको लेना है एसिडिक साल्ट, साल्ट जो है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के द्वारा जो रिएक्शन के द्वारा जो फॉर्म होते हैं वैसे साल्ट को हम लोग कहते हैं एसिडिक साल्ट। जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक साल्ट इन वाटर इज एसिडिक, एसिडिक साल्ट का सॉल्यूशन जो होगा वाटर में वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो जो ब्लू कलर होगा सॉरी ब्लू कलर जो है वो ब्लू लिटमस जो होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ भी आपको यहाँ पर एसिडिक साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लेना, वीक बेस जो है AlOH3 लेना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए देखिए यहाँ पर, आप याद कर लीजिए जरूर, एग्जाम में आ सकते हैं आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन में। उसके बाद आपको बेसिक साल्ट के में पढ़ना है, सॉल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, रिएक्शन के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, वैसे साल्ट को हम लोग बेसिक साल्ट कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन होता है जो बेसिक साल्ट का वाटर में, उसका जो मतलब जो भी सॉल्यूशन था वो बेसिक ही होता है, ठीक है। उसका जो कलर है वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए जैसे सोडियम एसिटेट CH3COONa, ये सब जो बेसिक साल्ट है जो कि रिएक्शन से वीक एसिड, जैसे कि वीक एसिड हो जाएगा CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा NaOH, ठीक है, इसके अंदर फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बहुत ही चीज़ें आपको दे सकूं, नोट्स दे सकूं, ठीक है। फिर आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए दोस्तों। अब बहुत जन क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते हैं या फिर उनमें कमेंट नहीं करते हैं आपको वीडियो में कैसा लगा, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने बेल आइकन पे प्रेस करके आपको ऑल पे प्रेस कर देना होगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।